भगवान की जय। बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले 1000 श्री शांति कुंद हरनाथ भगवान की जय। बोले 1000 श्री शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जी की जय। बोले आचार्य भगवंत श्रवणाचार्य आचार्य विनिश्चय सागर महामुनिराज की जय। बोलिए समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु भगवन नमोस्तु नमोस्तु। गर्भ दाम्पत्य जीवन का सुव्यवस्थित फल गर्भ है, क्योंकि संसार का ऐसा नियम है कि अगर दाम्पत्य जीवन है पर कोई विशेष कर्म का उदय नहीं है तो गर्भ स्त्री के ठहरेगा। आचार्य कहते हैं कि गर्भ इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ समय पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य और एक ऐसा रहस्य था, ऐसा रहस्य था कि सारा परिवार और सारा मोहल्ला और नगर इंतजार करता था कि आखिर संयोग में आएगा कौन, स्त्री या पुत्र या पुत्री, कौन आएगा। और इस रहस्य के कायम में बहुत बहुत परिणामों में नंबर नहीं थी। वह परिवार न्यायपूर्वक प्रवृत्ति करके परिवार का संचालन करता था। मतलब चिंता होती थी। आज थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, अम्मा जल्दी से बढ़ जाओ, आज थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? इंतजार तो आज भी लोग करते हैं, लेकिन किस चीज का? अब इंतजार लोग इस बात का करते हैं कि आने वाली संतान क्या बनेगी। सतगुरु पंडित जी बाहर बुला लिया करो, इस समय तो सब काम विराम दे, अवन भी बाद में किया करो, कल से आओ, सबको प्रवचन सुना हुआ। पर पुजारियों को तो विशेष करते बैठा लाते हैं, इन्हीं की आवाज आती है। क्या कह रहा था मैं? इंतजार करते हैं क्या बनेगा। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित का ये अच्छा काम नहीं है क्या? पंडित जी ये बहुत अच्छा काम है, अपने पुत्र को क्यों नहीं बनाया? जवाब नहीं है। क्यों? आधुनिकता प्रभावी है, इंजीनियर ऑफिसर स्तर के पद IAS से कम पहले तो बात होती नहीं है। यानी अब इंतजार होता है तो संस्कारों का नहीं होता है, संस्कार वान का नहीं होता है, अर्थ का और अर्थवान का इंतजार होता है।
किसी व्यवस्था में बढ़ गई। एक जगह मैं शाम को गर्मी में छत पर था, बगल में जैनी परिवार था, कोई स्त्री गर्भ से थी, दो चार महिला उसके पास बैठी थी। अब आवाज तो आई जैसे भीतर की आवाज अभी बाहर आ रही थी, ऐसी वहां आ रही थी। तो महिला उस स्त्री से पूछ रही है कि क्या बनाओगे इसे, अभी बाहर नहीं है, अभी गर्भ में है, क्या बनाओगे इसे। वो कह रहे IIT इंजीनियर बनाऊंगे मैं से। आप विचार करके देखिए कि वह गर्व जो गुण था, रस था, संस्कार का केंद्र था, धर्म की आधारशिला था, वहां पर IIT इंजीनियर की कल्पना की जा रही है। और जैन दर्शन क्या कहता है, प्रत्येक उस मां से जिसने गर्भ धारण कर लिया है उससे जैन दर्शन कहता है कि सिर्फ मात्र सिर्फ एक ही भावना होनी चाहिए कि मैं इसे सम्यक दृष्टि बनाऊंगी। जैन दर्शन कहता है कि उस स्त्री को एक ही भावना माना चाहिए कि मैं इसे सम्यक दृष्टि बनाऊंगी, सम्यक ज्ञानी बनाऊंगी, सम्यक चारित्री बनाऊंगी मैं इसे। ये गर्भ का रहस्य है। अर्थव्यवस्था ने धर्म व्यवस्था को चरम बना दिया। अर्थव्यवस्था ने सोची नहीं है किसी की कि मैं अपने बेटे को मोक्ष मार्ग पर लगा दूं, अपनी बेटी को मोक्ष मार्ग पर लगा दूं, सोची नहीं है। और ये परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि आधुनिकता ने इतना घेर लिया व्यक्ति को, भौतिकता ने इतना प्रभाव बनाया कि मात्र इंद्री के विषय व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कुछ क्या किए, बहुत अच्छा मकान चाहिए, चलो ये मिल गया, क्या चाहिए, बहुत अच्छा फर्नीचर चाहिए, वो भी मिल गया, अब क्या चाहिए, बहुत अच्छी साधन सुविधा चाहिए। कब हार मानोगे भैया कि अब कुछ नहीं चाहिए, नहीं मानने वाले, क्योंकि समझा ही नहीं कि मैं घर में क्यों आया था, मैं 9 माह एक जगह क्यों पड़ा रहा, क्यों ऐसी गंदगी में हमारा वास रहा, उसने विचार ही नहीं किया। विचार दो तरीके से होता है, जब न्याय पूर्वक चिंतन आता है तो उसमें दो चाहिए पड़ती हैं, एक धार्मिक और एक अधार्मिक। जिसके पास एक दो पुट नहीं है वो समीचीन चिंतन कर ही नहीं सकता। धार्मिकता तो आपकी बहुत अच्छी है। कैसी है धार्मिकता, खूटे पे जैसे लोग टोपी लगाते थे पहले, घर पहुंचते तो क्या करते थे, खूटे पे डाल, और आप क्या करते घर पहुंचते हो, धार्मिकता को भी खूटे पे डाल। नहीं, कहते भी हो मुंह से कि दिन भर तो ही धर्म करेंगे, करें लोग मुंह से। और अगर घर का एक सदस्य से ज्यादा धर्म करने लग जाए तो लोग ये कहते हैं कि ये बड़ा धर्मात्मा बन रहा है। ये सोच है आज के लोगों की। जैन आचार्य कहते हैं जब तक सोच में धर्म नहीं आएगा तब तक आपका परिणाम, आपका भाव धर्म दृष्टि में और अध्यात्म दृष्टि में बन ही नहीं सकता। आचार भगवान कहते हैं कौन कि आखिर किसी क्यों बन रही है, इतना बड़ा परिवर्तन इस संसार में क्यों आ रहा है, आखिर इस भौतिकता का प्रभाव व्यक्तियों को क्यों घेर रहा है। तो कहते हैं एक ही कारण है कि ये पूर्व खोटे
एक ही तो कारण है। यह एक ऐसा तराजू है, एक ऐसा कांटा है कि ये जिस ओर जाएगा वैसा फल आपके जीवन में, वैसी सोच आपके जीवन में, वैसे विचार आपके जीवन में आने वाले हैं। लेकिन वो एक बात और कहते हैं, ये मत सोचो कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो कहते हैं मत सोचो, ये सोचो कि मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। और अगर हमें विचार करते हैं कि मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, तो स्पष्ट रूप से हमें हमारा अपराध, हमारा अन्याय, हमारा हमारे द्वारा किए गए पाप नजर आ रहे हैं। ये कर्म के उदय से हो रही है। आज आप यहां हैं, कौन लाया आपको यहां तक? इस सिद्ध क्षेत्र पर महाअति सहकारी चिन्ह बिंब के चरण सानिध्य में कौन ले आया आपको? आपका कर्म ले आया। आप भूल रहे हैं कि मैं आ गया? नहीं, आप अगर आते तो यहां नहीं आते, आप तो सीधा सिद्धा ले जाते हैं। क्योंकि आत्मा की जो वास्तविकता है तक पहुंचना है, यहां आपको जो लेके आया है वो आपका कर्म लेके आया है। आप नहीं आया, कर्म लेके आ गया है। और वही कर्म जब विकराल रूप लेता है तो दुख की ओर ले जाता है, और जब शांत होता है तो वह सुख की ओर ले जाता है। वही कर्म। और हम अध्यात्म को कर्म से जोड़ कर देते हैं, फिर वहां उस दृष्टि से हम धर्म कल्याण को देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि माता मरु देवी के गर्भ में वह आदिनाथ का जीवी क्यों आया। माता है समझ में, कौन लाया उन्हें? वो आत्मा अपनी इच्छा से आई? नहीं, सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धालय ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। क्यों आती यहां? वो तो अपनी इच्छा से ऊपर जाती, लेकिन वह आत्मा से लगे हुए कर्म ऐसे थे कि वह मरु देवी के घर में ले आए। उन्होंने उस सर्वार सिद्धि में अहमिंद अवस्था में जितने बार भी विचार किया तो कान पकड़ के तौबा की गर्व से कि मुझे नहीं जाना गर्व में, क्योंकि गर्व कर्म के फल का उदय है, इसलिए मुझे गर्व में नहीं जाना। लेकिन किसकी चलती है कर्म के सामने? तीर्थंकर की भी नहीं चलती है, किसी की नहीं चलती। वो ले आया, लेकिन बस अच्छा इतना था कि वो कर्म जो उन्हें गर्भ में लाया वो शांत भाव से लाया, यानी पुण्य से लाया। और ऐसा शांत भाव से लाया, ऐसा शांत भाव से लाया कि सारी दुनिया ने, तीनों लोगों ने गर्भ में आने की खुशी मनाई। लोग कहते हैं पुण्य क्या करता है? भैया अगर पुण्य कुछ नहीं करेगा तो आत्मा संसारी ही बनी रहेगी। पुण्य बहुत कुछ करता है, बस वह पुण्य प्रशस्त होना चाहिए। अगर प्रशस्त है तो वो मोक्ष मार्ग देता है, वह ऐसे गर्भ कल्याण को प्राप्त कराता है, वह अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ाता है, वह चारित्र को धारण करने के लिए मजबूर कर देता है। सत्य मानना, मैं कभी मुनि नहीं बनना चाहता था। मुझसे कहता था मुनि बन जा, मुझे करंट लग जाता था। कि अरे बाप का खाते हैं मुनि बन जाऊं? हाँ, मैं अपनी कह रहा हूं, मैं कभी नहीं चाहता था मैं मुनि बन जाऊं। जब मैं आठवीं क्लास में था, मुझसे पूछा छुल्लन ने क्या बनूं,
मैंने कहा मैं तो प्रिंसिपल बनूंगा। मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन मेरे घर बने इतने सौ मूर्ति, वो इतने शांत भाव से सामने आया, इतने शांत भाव से आया, मेरा दम थामा और मुझे दिगंबर के मार्ग पर लाके खड़ा कर दिया। उस कर्म का काम है, एक कर्म साथ देता है तो सिद्धा लय तक पहुंचाता है, और जब साथ लेता है तो सातवी भूमि के नीचे कलर भूमि तक पहुंचा देता है। कर्म है भगवान आत्मा, एक कर्म है। और किससे लगा हुआ है ये विचार तो करो, किससे? आत्मा से। और अगर शुद्ध दिव्यार्थिक नय से उस आत्मा को देखें, उसमें तो स्पर्श गुण ही नहीं है, उसमें स्पर्श गुण ही नहीं है, फिर भी वह अमूर्तिक होते हुए भी एक कर्म से मूर्तिक बना देता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है कि बड़ा आश्चर्यकारी है, बड़ा चकित करने वाला है कि अमूर्तिक में भी मूर्तिक कर्म जाके बन जाता है। और ये हमारे परिणामों का, हमारी सोच का, हमारे विचारों का फल है, हमारी क्रिया का फल है, हमारे द्वारा किए गए पापों का और पुण्य का ही फल है। पहले आत्माओं, जब भी मैं शांतिनाथ भगवान के सामने जा रहा हूं, मैं बहुत ईर्ष्या करता हूं भगवान शांतिनाथ से, मैं बहुत ईर्ष्या करता हूं। क्या करें, मैं कहता हूं मुझसे पहले तुम मोक्ष कैसे चले गए? मैं कहता हूं मैं जिंदगी भर भावों तक आपके शरण नहीं छूटा रहूंगा, ऐसी अवस्था में आऊंगा कि मुझे आपके चरण छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी अवस्था में आऊंगा। और ये सारी बातें तब हमारे पास आती है जब अध्यात्म से जुड़ जाए, धर्म से जुड़ जाए, हम अपने गर्भ को, अपने उस गर्भ अवस्था को अध्यात्म से जोड़ दें। आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक संसारी जीव को कर्म पर बहुत विचार करने चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि हम दास हैं उसकी। अभी वर्तमान है दास है, अशुद्ध निश्चय से ये कर्म आत्मा से लगा हुआ है, हम इसके दास हैं। ये जहां ले जाएगा हमें वहां जाना पड़ेगा। लेकिन एक शक्ति हमारे पास है स्वभावों की, धर्मानुराग की ऐसी ताकत है कि हम चाहें तो इस कर्म को असमय में भी निर्जीर्ण कर सकते हैं। और आचार्य कह रहे हैं कि ये गर्भ कल्याण की बात की शिक्षा दे रहा है, इसी बात का संकेत दे रहा है कि हमें उस शक्ति को जागृत करना है जो हमें हमारे कर्मों को आज समय में ही निर्जीर्ण कर दे। करता कौन है ये कर्म? कौन करता है? पड़ोसी नहीं करता, पड़ोसी दे सकता है क्या कुछ कर्म में? उधार भी नहीं दे सकता, वो नगद भी नहीं दे सकता। आचार्य कुलकुल स्वामी गायिका लिखते हैं, इक्को करे दिकम्मम इक्को हिंडदि धीर संसारे चायदि मर्यदि इक्को तस फलम भुंजद इक्को। बहुत सौहद में हमारा पूरा कर्म सिद्धांत उन्होंने बाहर रख दिया कि विचार कर लो, अपनी करनी आप करे सिर रंग के धरता। आदत है हमारी, कुछ बिगड़ जाता तो मैं कहता हूं नंदन सागर जी तुमने बिगाड़ दिया, भूल जाता हूं कि प्रांजल सागर की क्या ताकत है कि वो मेरे कर्म में कुछ सचेत करते हैं।
लोग भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में सुबह सुबह घटित हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी अच्छा बुरा सामने आ रहा है, जो भी सुख दुख हमारे सामने आ रहा है, वह मात्र सिर्फ मात्र हमारे ही कर्म का फल है। दूसरे कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन आदत है, बच्चा कांच का गिलास फोड़ दे, चांटे लगाते हैं माता पिता, तूने फोड़ दिया। अरे तूने नहीं फोड़ा, तेरे कर्म ने फोड़वा दिया। जो भी विद्या परिवार में, घर में, समाज में, देश में, राष्ट्र में घट रही है, वह प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही घट रही है। को करेगी कर्म, जीव अकेला कर्म करता है। नहीं, ये जिनेन गुहारा बैठे, मैं अपनी पत्नी के लिए सुविधा देने के लिए दुकान पर थोड़ी सी गड़बड़ी कर लेता, सोने में चांदी चांदी में, मुझे पता जो भी करते हैं। किसके लिए? पत्नी, श्रीमती, बच्चे, संतान, इसके लिए, अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहा हूं। कोई बात नहीं, तुम किसी के लिए करो, कर्म दो, अपने लिए ही फल देगा। वह तो मात्र उस व्यक्ति को फल देगा जिसने बांधा है, जिसने दृष्टि निगाह टेढ़ी की है, जिसने अपनी ईमानदारी छोड़कर भावों को बेईमानी में पहुंचाया है, छल में, कपट में लाया है, उस व्यक्ति के लिए कर्म बनेगा और फल उस व्यक्ति के लिए भोगना पड़ेगा। उस व्यक्ति के लिए इको करेगी कर्म। ऐसा नहीं हो सकता पिता करे पूरा परिवार बांट ले आपस में, अब साथ में रख के आयु बंद हो जाए किसी को, तो ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी मान लो, तीसरी की हो जाए, चल तरह तरह से बांट लेते हैं सब जने, नहीं, पूरी की पूरी तुम्हारे हिस्से में आएगी। जितने अनुभव के साथ और जितनी स्थिति लेकर बांधा है, उतनी स्थिति पर उतने ही अनुभव के साथ आपको वह फल देगा। घबराहट नहीं होती तुम लोगों को? हम लोगों को तो अभी भी घबराहट होती कि कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं उस स्थान से जहां तीर्थंकर पहुंच गए। तुम लोगों को घबराहट नहीं होती? हाँ होती, माना सोचते ही नहीं है ना, चिंतन ही नहीं करते, मनन ही नहीं करते कि घबराहट आएगी कहां से। अभी भी हम लोगों की आत्मा कांप जाती है ये सोच करेगी जो करना चाहिए, जैसा करना चाहिए वैसा का वैसा 100% नहीं हो पा रहा इस काल के प्रभाव से, कांप जाती है। लेकिन तुम लोगों को डर नहीं लगता? हाँ डर तो लगता है, घाटे से लगता है, धन के अभाव से लगता है, बलवान पड़ोसी हो तो उससे भी लगता है, लेकिन दुखों से डर नहीं लगता। नहीं लगता है, उदय में आने के बाद लगता है, पहले लग जाए तो उदय में आ ही ना हुआ। ऐसा प्रयास हो जाए, ऐसी कोशिश हो जाए कि आए उदय में आ ही ना पाए। इक्को करे दी कर्म, इक्को हिंडदी धीर संसारे। और उन कर्म को बांध कर इस चतुर्गति रूप जो परिभ्रमण चल रहा है, वह अकेला उसी का चलेगा जिसने बांधा है, जिसने बांधा है। जायादि मर्यादि इक्को। अच्छा ये बताओ, तुम लोग पैदा हुए तो कितनों को साथ में लाए? अपनी अपनी पत्नी को कौन लाया था साथ में? और बच्चों लगा डाक साहब हीरालाल जी अकेले आए, हीरा अकेला ही आया, अकेले आए, कोई नहीं आया। तो ये मेरा बेटा है। अरे भैया, जिस समय गर्म में थे, जब पता था कि मेरा भी बेटा है, तब किसका था वो? किसी पशु का, किसी पक्षी का,
किसी निम्न कुल वाले व्यक्ति का, या फिर निगोद में, या फिर नरक में, या फिर दिव्य पर्याय में, किसका था बोलो तो? जिसे आज ये कह रहे हो कि मेरा है, आखिर ये किसका था? विचार तो करो। पता ही नहीं किसका था। तो पता पड़ जाए तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। अरे ये तो मेरा शत्रु था, जिसने मुझे कई बार सताया, कई बार मारा, कई बार पीटा, कई बार मेरी हिंसा कर दी। ये तो वो है जिसे मैं अपना बेटा समझ रहा हूं। वास्तविकता सामने आ जाए तो ये आश्चर्य होगा कि मैं किसे अपना बेटा कह रहा हूं। अब मरोगे तो कितनों को साथ में ले जाओगे? अच्छा आज एक काम करना निर्मल जी, पूछना पत्नी से, संग में चलोगे कि नहीं चलोगे? चलो संग तुम्हें को मुबारक हो, बहुमत तुम्हें को मुबारक हो। तो अलग है, फिर वो समझाएगी, प्रवचन करेगी, समय सार का प्रवचन करेगी कि देखो भैया अकेले आए थे, जिंदगी भर नहीं किए समय सार के प्रवचन, लेकिन मौत में साथ में बात आएगी तो समय सार का साथ में जाएगा। अकेले आए, अकेले जाना, कोई नहीं है। सोचो विचार कर, एक कर्म की लीला है और एक कर्म की लीला के वशीभूत होकर ही चार गति में भ्रमण होता है और वो चार गति भ्रमण का ही फल है गर्भ। अगर संसार माफ हो जाए तो गर्भ रहेगा कहां और गर्भ में हम आएंगे कैसे? लेकिन लोग नहीं समझते, लोग तो मजाक समझते हैं कि हाँ संसार है, रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, एक सेकंड में 60 मर रहे हैं, एक सेकंड में 60 पैदा हो रहे हैं, अनुमान है, बस खत्म। ऐसा 3 घंटे की फिल्म चलती है थिएटर में, लोग अपने जीवन को ऐसा समझ बैठे हैं कि बस जन्मना है, दुकान जाना है, बाजार जाना, कमाना खाना है, परेशान होना है, दुख सुख सब खत्म। लीला नहीं, हमारी लीला तो खत्म नहीं होने वाली। इस स्टेज की, संसार रूपी इस पर्याय के स्टेज की लीला तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जीवन द्रव्य की लीला खत्म होने वाली नहीं है, वो शाश्वत है। वो एक ऐसी लीला है, नित्य है, शाश्वत है, सदा सदा अनादि से अनंत काल तक रहने वाली लीला है, वह समाप्त नहीं होने वाली। क्या सोच रहे हो कि मर जाएंगे, दुखों से छुट्टी हो जाएंगे और दुख सामने आ जाएंगे? मर कैसे जाओगे? तुम मर ही तो सकते नहीं, यही तो परेशानी है कि मर नहीं सकते, यही तो परेशानी है। पर्याय तो बदल सकते हैं, मर नहीं सकते, मर जाते तो छुट्टी हो जाती, लेकिन मरते ही नहीं, पर्याय बदलते हैं और परेशान होते हैं। तो हम तो हाँ, सही कहते हैं, सामने आ जाए मौत तो फिर अब ढूंढत कोई बचा ले। एक जगह में था पंडित जी साहब, एक बच्चे ने जहर खा लिया, जब मैं आर से ला और जब उसे गाड़ी में बैठा रहे थे सर ले जाने की, अब लोगों ने कहा तुम्हें चला जाए दो बेटा से, बोले महाराज बचा लो मुझे, बचा भैया मरना क्यों चाहता था जो बच्चा, जब तक नहीं खाया था तब तक मरना चाहता था, और खा लिया तो अब जीवन की पहचान कितना कीमती है जीवन। भावे आत्माओं, ये गर्व कल्याण को सामान्य मत समझना और अपने गर्व की स्थिति को स्मरण करना और उस गर्व से मुक्त होने के लिए भावना बहाना, प्रयास करना, कोशिश करना, चरित्र को बार बार धारण करना, ताकि ऐसा तीर्थंकर जैसा गर्व तुम्हें मिल जाए। गर्व कल्याण बनाना चाहता है, तस फलम बुंजदे को, यानी जो कुछ भी हमारे द्वारा होगा, हो रहा है, उसका फल हम अकेले ही भोगेंगे। अगर तीर्थंकर भगवान को बता दे तो कोई डंडा तो है नहीं, चलो उनके पास जादू की डंडी थी, तीर्थंकर के पास घुमाते थे, लोग प्रभावित हो जाते थे और घर द्वार छोड़कर बैराग धारण करके मुक्ति के मार्ग पर कई सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। बात याद आ गई, एक गुरु था, गुरु समझते हो
गंभीर भारी व्यक्ति होता है। उसके बाद एक डंडा था, तो रोग शोक व्याधि आदि वो सब शांत करता था। लोग आते थे उनके सिर पर वो डंडा घुमाता था, फिर हंसते हुए चले जाते थे। तीर्थंकरों ने भी क्या किया, एक डंडा तो घुमाया। उनके पास पहुंचने वाला इतनी श्रद्धा इतनी विशुद्धि के साथ पहुंचा कि अशुभ कर्म निर्जीर्ण हो गए, अशुभ कर्म उदय में आ गए। और उसका लाखों लोग उसके पास आते थे। एक दिन एक चोरों का टोला ये तमाशा देखने आया कि ये गुरु करता क्या है, ये सन्यासी करता क्या है। तो उन्होंने सोचा ये काम करते हैं कि इसके डंडे को अपन चुरा लेते हैं, डंडे को, तो अपन को ये डकैती मकैती चोरी मोरी करना नहीं पड़ेगा, फिर अपन घुमाएंगे लोगों से पैसा लेंगे और उन्हें सुखी करेंगे। ठीक है, उन्होंने योजना बना ली और एक दिन रात में आया उसका डंडा लेके चले गए। उन्होंने डंडे को सुरक्षित जगह रख दिया। अब वो प्रातः का लाइक अब देखते हैं चलते हैं। बिना डंडे के सन्यासी करता क्या है। वो चोर आए तो उन्होंने देखा कि अभी भी लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है और अभी भी उसके हाथ में डंडा है और वो घुमा रहा है और लोग हंसते हुए जा रहे हैं। ध्यान से सुनना ये बात, बहुत मर्मित है अंतर चेतना को समझने की। बड़ा आश्चर्य हुआ, डंडा तो हमने चढ़ा लिया, अभी ऐसी लघु दिया लिए थोड़ी सी कछु भी और घुमा रहा है लोग हंस रहे। वो दौड़ के गए, उन्होंने डंडा निकाला, उन्होंने कहा चलो दो चार दुखियों को पकड़ लाओ अपन घुमाते हैं। एक बार घुमाया कुछ नहीं हुआ, दो बार, दस बार, पच्चीस, पचास, कुछ नहीं हुआ। ताकत डंडे में नहीं थी, किसमें थी, सन्यासी में थी। ताकत इन जन्मों में नहीं है, ताकत कहाँ है, तुम्हारी आत्मा में है। मार्ग को पाने की, मार्ग पर चलने की, धार्मिक होने की, अध्यात्म होने की स्थिति इन जन्मों में नहीं है, तो माध्यम है, आलंबन है, सहारा है, शरण है, लेकिन ताकत तो हमारी आत्मा में है कि हम क्या हो सकते हैं। और अगर हम विचार करके देखें, बार बार विचार करके देखें, तो हमारी ताकत से हमारी पहचान हो जाएगी। और जैसे ही पहचान होगी और हम इस रूप में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। कौन कल्पना कर सकता था अंजन चोर की कि वो भी सिद्ध परमात्मा बन जाएगा, कौन, कोई नहीं कर सकता था। जब वो वेश्या कल्पना करती थी कि ये व्यक्ति जो मेरे साथ रहता है कुछ दिन बाद सम्यक दृष्टि वाला है, कुछ दिन बाद दिगंबर होने वाला है और कुछ दिन बाद सिद्धार्थ कल्पना करती थी। जिसके यहाँ वो चोरी करता था और वो ताक लगा दो मिले मिल जाए तो मैं उसके प्राणों का हरण कर लूं, वो व्यक्ति का कल्पना करता था कि ये व्यक्ति सिद्धार्थ में जाके बना, कौन करता था। लेकिन आत्मा की ताकत, अंजन चोर को माध्यम मिला, आलंबन मिला, महामन लगा, उस ताकत को पहचाना और ताकत को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ किया, परिणाम ही आ गया कि वह सिद्धालय में मैं प्रत्येक स्त्री से कहना चाहता हूं, पुरुषों से नहीं कर रहा हूं मैं बात, हाँ उन पुरुषों से भी बात कर रहा हूं जिनकी स्त्री पर्याय का विच्छेद नहीं हुआ, क्योंकि आप भी स्त्री बन सकते हो अभी कभी भी अगली पर्याय में, इनका विच्छेद हो जाता है वो नहीं बन सकते। विच्छेद का मतलब जो महामृतों से उसकी विशुद्धि से स्त्री पर्याय का छेद कर देते हैं तो वो नपुंसक और स्त्री पर्याय में कभी जा नहीं सकते, यानी उनकी मुक्ति निश्चित है। और जब भी वो किसी भी पर्याय में जाएंगे तो पुरुष पर्याय में ही जाएंगे। हाँ, दो बातें तीन बातें जीवन में होनी ही चाहिए, माँ या तो तीर्थंकर की या मणिराज की। अगर आपको दुर्भाग्य से स्त्री पर्याय मिल गई है तो इस पर स्त्री पर्याय को धन्य करने के लिए यही कर्तव्य है, या तो तीर्थंकर को जन्म दो या फिर किसी मणिराज को जन्म दो। तीर्थंकर को जन्म दे नहीं सकती तुम, लेकिन मणिराज को तो जन्म दे सकती।
ब्याज को जन्म दो। और अगर ये दो काम नहीं कर पाए स्त्री पर्याय को नष्ट करना बहुत मुश्किल है, स्त्री पर्याय को छोड़ना ही बहुत मुश्किल है, नष्ट करना तो बहुत बड़ी बात है। चलो इतना भी नहीं करवाए तो एक और अच्छा रास्ता है कि कम से कम पंच कल्याणक में तीर्थंकर की मां के पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। और इतने विशाल पुण्य का संग्रह करने वाला है, इतने विशाल पुण्य का संग्रह करने वाला है, या तो यह पुण्य स्त्री पर्याय का विच्छेद करा देगा, और नहीं कराएगा तो ऐसे महान तीर्थंकर आचार उपाध्याय साधु बनने वाले की पुरुष की मां बना देगा। इसलिए प्रत्येक स्त्री का एक ही सपना होना चाहिए, अगर मुनि को जन्म नहीं दे पाए तो मरने से पहले तीर्थंकर की माता तो एक बार बन ही जाए, पंच कल्याणक में एक बार सम्मिलित हो ही जाए। और ये स्थिति आती है तो हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, और वो गर्भ अवस्था समझ में आती है कि हमारी गर्भ अवस्था जो थी वह ठीक थी ठीक नहीं थी। तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक की सबसे बड़ी शिक्षा है कि गर्भ होना चाहिए तो ऐसा जो अंतिम हो, हमारे जैसा नहीं होना चाहिए। अभी आए इस पर्याय का नाश करेंगे फिर पहुंचेंगे, फिर उस पर्याय का नाश करेंगे फिर पहुंचेंगे, ये खेल कब तक चलता रहेगा? अध्यात्म दृष्टि से विचार करेंगे, धार्मिक दृष्टि से विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये खेल मात्र दुख देने वाला है, परेशानी देने वाला है, कष्ट और पीड़ा देने वाला है, ये सुखों का वास कराने वाला नहीं है। इसलिए आप इस चिद्ध सिद्ध पर विराजमान है, वह विश्कम्बल मुनिराज, वह मदन केवली मुनिराज, स्नातक मुनिराज यहाँ आए, स्नातक केवल ज्ञान के साथ इस भूमि पर आए। आप देखो कैसा मनोरम ये क्षेत्र होगा समय जब वो यहाँ आए, कैसे आनंद अमृत रस की वर्षा हुई होगी जब यहाँ साक्षात केवली भगवान के चरण पड़े होंगे। यह भूमि यह धूली यहाँ की उनके चरण का स्पर्श पाकर कितनी धन्य हुई होगी, कितनी धन्य हुई होगी जब वो यहाँ आए होंगे। और आपका यह सौभाग्य है कि आप ऐसे उनके शरीर से स्पर्श दुगे भूमि पर आप यहाँ पर हैं और पंच कल्याणक में सम्मिलित हैं, आराधना कर रहे हैं कल्याणकों की ताकि हमें भी कल्याण प्राप्त हो। यह आपका कम सौभाग्य नहीं है, बस इस सौभाग्य को धर्म और अध्यात्म से जोड़े रखना। और जितना ज्यादा गहराई से जोड़कर रखोगे, जितना ज्यादा गहराई से जोड़कर रहोगे, यहाँ से जाने के बाद उतना अधिक से अधिक फल आपके साथ जाएगा और ऐसा कर्म आत्मा ले जाएगी, ऐसा कर्म कि वह मोक्ष मार्ग में ही कराएगा। कभी आत्मा आज पहला गर्भ कल दूसरा गर्भ कल दूसरा गर्भ कल माता ने 16 स्वप्न देखे होंगे, आज आप फल जान लोगे। उन्होंने कहा तो जिन्होंने गर्भ कल्याण की क्रिया होंगी की होंगी उन्हें तो विशेष वो क्षण ऐसे होते हैं, इन क्रियाओं के क्षण ऐसे होते हैं बहुत विशुद्धिदायक होते हैं। जब हम सूर्य मंत्र की पहले क्रियाएं और सूर्य मंत्र करते हैं तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति करते हैं, हमें लगता है कि हम ही साक्षात केवली हैं, ऐसा महसूस होता है कि हमारी आत्मा भी साक्षात केवली है। और हम आत्मा को संबोधन देते हैं कि देख यही कि यही शक्ति तुझमें है जो तुम इस जिन बिंब में प्रकट कर रहे हो, इस ऊर्जा इसमें डाल रहे हो, इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा फूंक रहे हो, इसमें जो केवल ज्ञान आदि के संस्कार कर रहे हो, यही कि यही शक्ति तुम में भी विराजमान है, बस प्रकट करने की देरी है।
आपको भी यही सोचना चाहिए कि आप तीर्थंकर नहीं बन सकते, बन सकते हो। अगर निकट भव्यता है तो इस लेन में आप भी लग सकते हैं। तो पता है आपको कितने लोग लेन में लगे, कितने जीव, आगम प्रमाण है, नरक में अकेले इतने असंख्यात जीव हैं जो तीर्थंकर प्रगति का बंद किए हुए पड़े हैं, असंख्यात, गिनती नहीं है नरक में। फिर देव की सोचो, तो विदेशी दादी की वर्तमान में सोचो आप, कितने असंख्यात, और उनमें हमें भी सम्मिलित होना है। हमें तो कोई तीर्थंकर पंडित जी हमें तो उपहार में दे दे, हम नरक जावे तैयार हो जाएगी। तीर्थंकर प्रगति उपहार में दे दे, तो क्या ज्यादा से ज्यादा 33 सागर, उसके बाद अनंत काल के लिए अनंत सुख की लीनता। और इसी भावना के साथ आपको ये पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न करना है, इसमें भाग लेना है, ऐसी पवित्र निर्मल भावनाएं बनाना है जिससे इसका सच्चा फल आपके लिए मिले और अध्यात्म दृष्टि आपकी बने, ताकि अध्यात्म की ओर आप बढ़ सके। इस भावना के साथ जय बोलिए गुरुवाचार्य श्री वराक्षर जी महाराज जी की। हेलो, ध्यान दीजिए, अभी एक मिनट बस, अभी एक ने एक वक्तव्य दिया है जो वर्षों बाद ही पे चल रहा है और मुझे लगता है लोगों के पास भी आया होगा।